हेलो बच्चों, ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। कल मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में, जिसने 1.1 ना देखा हो प्लीज देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको काफी बेसिक क्लियर किया है रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि आज के इस लेक्चर में यूज होने वाले हैं। चलिए आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाले हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो देखिएगा इसका आंसर है एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर ट्रू। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। ठीक है, तो वो अगर ऐसे कहता है एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है, वो ये भी बोलता है अगर एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक है, बट इसका वाइस वर्सा बोलता तो, मतलब अगर वो कहता रियल नंबर रैशनल नंबर होंगे सारे रियल नंबर, नहीं। क्यों? देखिए ये रियल नंबर है, इसके अंदर आते हैं एक रैशनल इरेशनल। जैसे वही देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हर गधा सफेद होता है, पर क्या हर सफेद चीज गधा हो जाएगी? नहीं। अब कोई मेरे से ना बहस मत करना कि गधा सफेद सारे कैसे हो सकते हैं सब चीजें, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रू है कि हाँ सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे। सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, ठीक है, इसका आंसर है फॉल्स। कैसे वो मैं आपको बताता हूं। नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन यहां से स्टार्ट होते हैं जीरो माइनस वन, ऐसे चलते हैं प्लस वन प्लस टू, ऐसे करेंगे। ठीक, इन्होंने कहा जितने भी नंबर होंगे वो सारे रूट एम की फॉर्म में होंगे। चलो कुछ रूट एम, देखो रूट एम में इन्होंने दिया है एम जो है नेचुरल नंबर है। क्या नंबर है? नेचुरल। और कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, आपको पता भी होगा ये, वन टू थ्री और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक, तो अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मानो दो तीन ले लेते हैं कि एक तो होगा यहाँ पे रूट टू, एक ले लेते हैं रूट थ्री। ठीक है, अब देखो ये दो नेचुरल नंबर तो मिल गए जिनके बीच में है रूट एम, बट क्या इनके बीच में तो काफी नंबर आएंगे, उसमें तो एम नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो सारे रूट एम की फॉर्म में कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो ये है 1.414, इसका आंसर है 1.732, तो जो 1.5 आएगा वो क्या किसी नेचुरल नंबर का रूट है? 1.5 किसी नेचुरल नंबर का रूट है? नहीं है, तो इसका मतलब आंसर पर फॉल्स। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, शो दैट रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेटिव ऑन द नंबर लाइन। जी हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चला गया हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये कह रहे हैं जितने भी रियल नंबर है वो क्या इरेशनल होंगे। देखो वही वाली बात होगी जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। क्योंकि देखो रियल नंबर तो आपका टू भी है, बट टू क्या इरेशनल नंबर है? नहीं। ठीक, फॉल्स। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, जितने भी स्क्वायर रूट्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर के वो इरेशनल होंगे। तो आपको नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप कोई भी इंटीजर ले लो, देखो स्क्वायर रूट दो तरीके के होते हैं, मैं आपको ये समझा देता हूं सही से। एक होते हैं परफेक्ट स्क्वायर के अंडर रूट, एक होते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर के अंडर रूट। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर के अंडर रूट होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे रूट फोर, रूट नाइन, रूट 25, कोई भी ले लो रूट 36, ये सब कैसे? इसका आंसर दो आएगा, इसका तीन, तो आप खुद देख सकते हैं ये 36 है, तो खुद देख सकते हैं कि सारे रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर के अंडर रूट होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं, तो सारे पॉजिटिव नंबर, देखो ये भी तो पॉजिटिव नंबर है, तो सारे पॉजिटिव नंबर के अंडर रूट इरेशनल नंबर नहीं होते, इनके जितने भी आएंगे वो इरेशनल होंगे, जैसे कि आप देखो रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, जितने भी आएंगे, ठीक है, तो इनके तो है इरेशनल बट इसके रैशनल होते हैं। तो आप ये नोट बना के लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताइए, आगे भी एक्सरसाइज के आपके काम में आएगी। तो इन्होंने पूछा जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो सब रैशनल होते हैं? नहीं, कुछ रैशनल भी होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट है शो दैट रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इस पे आपके बन सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं यहां थोड़ा सा हटा देता हूं। अभी उन्होंने कहा रूट फाइव को नंबर लाइन पे बताओ, तो इसके लिए आपको ट्रायंगल समझना पड़ेगा। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप इसको दो ले लेते हैं
और इसको एक ले लेते हैं, ठीक। तो अब आप देखिएगा, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किस किस के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यहां पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 2, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इसका मतलब हाइपोटेनस का जो वैल्यू हो जाएगा रूट 5 हो जाएगी, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट आ जाता है, ठीक। हाइपोटेनस के स्क्वायर के वैल्यू 5 है तो हाइपोटेनस की वैल्यू रूट 5। तो यानी कि अगर हमें हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाए हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, आप यहां से देखो ये 0 है, ठीक। आपने क्या किया, यहां से 2 डिजिट का लाइन खींच दी, ये 2 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, ये 2 है, जैसे यहां पे 1 भी आएगा कहीं, तो आपने 2 वाली लाइन खींच ली 2 सेंटीमीटर या जो भी, ठीक है, स्केल के हेल्प से। इसके बाद आप इसमें परपेंडिकुलर डालोगे 1 का, 1 सेंटीमीटर का डाल दिया, उसके बाद इसे मिला दोगे, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डाल हो गया, इजी है। जहां से देखिएगा आपने 2 की लाइन खींची 2 यूनिट की, उसके बाद 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दिया, तो आपको देखो वहां से पता चल चुका है रूट 5 आएगा, तो यानी आपको ये डिस्टेंस मिल गई है। तो आप क्या करो, यहां से प्रकार पकड़ो, ये डिस्टेंस मापो और यहां से ऐसे करके, अब आप ध्यान से देखिएगा जहां पे भी जाके टच होगा वो रूट 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने ये डिस्टेंस मेजर कर लिया है, तो ये डिस्टेंस यहां से जैसे भी जाएगा यहां से ये रूट 5 पे ही काटेगी। तो इजी है, ऐसा कोई भी नंबर बना सकते हो, √6 √7 √15 कोई भी रूट का, कि आप कोई भी दो नंबर ऐसे छाटोगे जिनका स्क्वायर का सम उसके रूट के इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। पता कैसे पड़ेगा आपको, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ भी सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 6 का पूछा होता तो आप √5 का ले लेते, √5 तो आपने बनाई दिया है, और 1 यूनिट इस पे भी चढ़ा के फिर आगे बढ़ा देते तो √6 हो जाता है, क्लियर। थैंक यू सो मच।